तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो चलेगा, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का आपका लेखा शास्त्र यानी कि बही खाता का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हमारे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और उसके अलावा देखिएगा ये यहाँ पर आपको अपना क्या नाम लिखना होगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। और देखिएगा ये आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में उपलब्ध करवाने वाला हूँ, इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाइएगा। तो देखिएगा आपका जो पेपर होगा ना, इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 100 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। इस प्रकार के निर्देश आपको पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन निर्देशों को पढ़ लें, देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब देखिएगा यहाँ से इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आपका, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 के आपके लेखा शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो टोटली आपका जो पेपर होगा ना, ये बिल्कुल इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलिएगा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखिएगा सबसे पहले आपको पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आप सभी लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देख लें और अच्छे से समझ भी लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके उत्तर को देखते हैं। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्राप्ति भुगतान खाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्राप्ति भुगतान खाता किस प्रकार का खाता है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वास्तविक खाता है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, प्राप्ति भुगतान खाता जो है ना, कैसा खाता है? वास्तविक खाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर का, साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाना चाहिए? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, साझेदारी संलेख के अनुसार किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। इसके बाद में हम तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, साझेदारी फर्म में आरण पर ब्याज है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि साझेदारी फर्म में आरण पर ब्याज कैसा है। तो देखो ये होगी आई। यहाँ से आप सब लोगों को आई के ऊपर टिक कर लेना है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, आई कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर का, जिसमें कि लिखा है ख्याति है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है, मूर्त संपत्ति है, एक दायित्व है या फिर एक चालू संपत्ति है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता होता है, तो देखिएगा ख्याति जो है ना, एक अमूर्त संपत्ति है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, एक अमूर्त संपत्ति। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें कि क्या लिखा है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, जिसमें कि लिखा है एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो देखो 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना, 2। क्या लिखना है, यहाँ से आपको 2 लिख लेना है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, स्कंद में शामिल है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्कंद में क्या शामिल है? यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा खुले औजार, व्यापारी स्कंद, स्टोर्स या ये सभी। तो देखो यहाँ से आप लोगों को लिखना है, ये सभी स्कंद में शामिल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय विवरणों को विश्लेषण में शामिल होता है। तो देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आप सब लोग देख लेंगे, ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वदत्त व्यय की राशि में वृद्धि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, पूर्वदत्त जो व्यय होते हैं उसकी राशि में वृद्धि को क्या दर्शाया गया है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। 8वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, रोकड़ में कमी। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की वार्षिक परीक्षा के कक्षा 12 के समस्त विषय के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं।
जिन की लिंक मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लें। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अगर अपनी परीक्षा से पहले इन चीज़ों को देख लेते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप लोग अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला पाओगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या लिखा है। ICAI ने लेखांकन मानक 3 निर्गमित किया है। तो देखो, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1981 में। तो 1981 प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसे देख लें और अच्छे से इसको नोट भी कर लेंगे। उसके बाद में हम 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। अंश आवेदन खाता है। तो देखिएगा, अंश आवेदन खाता किस प्रकार का खाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आप लोगों को नोट कर लेना है, ये एक व्यक्तिगत खाता है। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के जो जो क्वेश्चंस मैंने आप सबको बताए हैं, इनको आप लोग देख लें और अच्छे से इनको समझ भी लें। टोटली मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन आपको बता दिया है। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, अलाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन, साझेदारी की 2 विशेषताएँ आपको बतानी है। स्थायी पूंजी खाता क्या है लिखिए, ख्याति की परिभाषा लिखिए, त्याग अनुपात क्या है लिखिए, अंश की परिभाषा को लिखिए, वित्तीय विवरण का आशय लिखिए, रोकड़ प्रवाह क्या है, पूर्वाधिकार अंश की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और अच्छे से इनको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। प्रश्न नंबर 20 लिखा है, अलाभकारी संस्थाओं की विस्तार लिखिए। और उसके बाद में सामान्य साझेदारी एवं सीमित साझेदारी में अंतर आपको बताना है। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, इसका सूत्र आपको लिखना है। समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर आपको लिखना है। वित्तीय विवरणों के उद्देश्य आपको लिखना है। रोकड़ प्रभाव विवरण तथा रोकड़ बजट में अंतर आपको लिखना है। उसके बाद में 26वें क्वेश्चन को देख ले, क्या लिखा है। सुधा क्लब उज्जैन का प्राप्ति भुगतान खाता तथा निम्न सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2020 के समाप्त होते वर्ष के आय व्यय खाता तैयार आपको करना है। तो देखिएगा, आप सब लोग इस क्वेश्चंस को भी देख लें। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। क्योंकि अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे ना, तो इससे आपको पूरा वीडियो में जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में पूरी आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख लें, 29वें क्वेश्चन को देख लें, ये भी आपके पेपर में से ही आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। और बाकी के क्वेश्चंस इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। और देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को पेपर में से देख लेना है और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना है। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी से पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लें। और प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के समस्त विषय के वीडियो हमारे द्वारा बना दिए गए हैं, जो कि लिंक मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग कक्षा 12 के समस्त विषय के वीडियो जरूर देख लें। तो देखिएगा, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से आप सबको बता दिया है। तो आप लोग इस प्रकार से पूरी की पूरी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लें। तो देखिएगा, यहाँ तक का पूरा का पूरा मैंने आप सबको बता दिया, तो आप लोग इस प्रकार से इसकी पूरी तैयारी कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में मैं आप सभी को आपकी वार्षिक परीक्षा हेतु शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।